आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जी। मैं अपने परिवार के साथ अपने पोते विराट के लिए आपकी पोती का हाथ मांगने आया हूं। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप इस रिश्ते को मंजूरी दे दीजिए। स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के लिए गर्म गर्म नाश्ता बना के रखूंगी। बस नाश्ता? हम कुछ और भी चाहते हैं। विराट और मानवी का रुका। कल सुबह हम शगुन लेके आएंगे, अगर आपको मंजूर हो तो। वैसे भी दी, आपने जब से मुझे उस ख्वाबों की दुनिया का नजारा दिखाया ना, मुझे आग बंद करने से डर नहीं लगता। ये लो। नो चीटिंग, ओके? धीरे। नो चीटिंग, ओके? मनु प्लीज नो चीटिंग, नो गिफ्ट। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है। ओके ओके। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल। ओके। एक दिन में इतने सारे सरप्राइजेस? नहीं, ये तो सच नहीं हो सकता। पक्का? सच में विराट, ये आपके रक्षाबंधन का गिफ्ट, छठ का विराट। कैसे पॉसिबल है दी? विराट, तुमने और मैंने मिलकर डिसाइड किया था कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं रह गया, पर अब तुम क्यों टेंशन्स बढ़ाने आए? दी, आपको तो पता है ना इसके आने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दी, स्वामी और दादाजी को अगर पता लग गया तो वो गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे, आप समझ रही हो ना? नहीं, मुझे तो उल्टा उठा के पटक देंगे। कौन किसको पटक देगा? दादाजी और स्वामी मेरी बहन बजाने आ रहे। अब सालों से मुझे राखी बांधती आई हो ना, उस राखी का फर्ज निभाने का वक्त आ गया। प्लीज मुझे बचा लो। जीजू भी आनी है कि मैं उनकी हेल्प मांग सकूं। प्लीज दी। सॉरी बोलने से समस्या का हल नहीं होगा। ये उलझन तुमने पैदा की है और इसका समाधान भी तुम्ही को ढूंढना होगा। प्लीज इन लोगों को समझाइए।
मनु मैंने क्या समझा? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपनी बहन की साइड लूं या अपने देवर की साइड लूं, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो गई। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया, ना ही मैं तुझे चुनूंगी और ना ही अपने देवर को चुनूंगी। अगर चुनूंगी तो सिर्फ अपने देवरानी को और शान से जेठानी बनूंगी। किसकी? बेटा, हम उसी के लिए यहां आए। बहन जी, मैं अपने परिवार के साथ अपने पोते विराट के लिए आपकी पोती का हाथ मांगने आया हूं। मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप इस रिश्ते को मंजूरी दे दीजिए। जी, हम अपने बच्चों को कितना नादान और गैर जिम्मेदार समझते थे, पर देखिए उन्होंने कितनी समझदारी का फैसला लिया है, अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशी दांव पर लगा दी, अपने प्यार की कुर्बानी देने से भी नहीं हिचकिचाए। पीजी, हम ऐसे बच्चों की खुशी कैसे छीन सकते हैं? हाँ बहन जी, जाने अनजाने में हमने मानवी को बुरा भला कहा होगा, उसे तकलीफें दी होगी, हम उसका पश्चाताप करना चाहते हैं। मानवी और विराट का रिश्ता कबूल कर लीजिए बहन जी। जीविका के रूप में हमारे परिवार में आपने जो अनमोल हीरा दिया है, मानवी के रूप में हमें एक और हीरा दे दीजिए। आपके सहयोग और आपकी अनुमति के बिना ये रिश्ता पूरा नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। समझ भी नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं? तू कुछ मत बोल। अब जो कुछ बोलना है मैं बोलूंगी। मैं इस घर की बड़ी हूं, मैं जो कहूंगी वही होगा। मेरी मर्जी के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी बच्ची का हाथ मांगने आए हैं। हमारी बच्ची आपके घर की बहू बनेगी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज क्या पूरी बच्ची ले लीजिए। मानवी, मैंने क्या कहा था, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, और तेरा प्यार तो बहुत सच्चा निकला है। जीत गई ना? ला 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 भाव क्यों खा रही है? सीधे सीधे बताती क्यों नहीं कि तुझे मानवी और विराट का रिश्ता कबूल है कि नहीं? मुझे कबूल है। कबूल है, कबूल है। ए विराट, तुझे कबूल है? जी बीजी, मुझे तो कब से कबूल है। ये चुड़ैल, कबूल है ना? देखा, लड़की शर्मा गई, सब मतलब है उसको कबूल है, सब तो कबूल है। माना क्या मियां बीबी राजी तो क्या करेगी बड़ी बीजी।
बातों बातों में मैं आपको बैठने के लिए कहना ही भूल गई। लंबे सफर से आई है ना, थक गई होगी। थकान कैसी बहन जी, ऐसी खबर सुनने के बाद तो हम तरोताजा हो गए। एक्सपीरियंस है ना, होता है। कैरी ऑन। ये करो बेटा। अरे वाह, आशीर्वाद एक के बाद एक। हाँ पांव चुना तो दोनों साथ में, तो ही आशीर्वाद दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी, कह देती हूँ। हाँ चलो दोनों साथ में। बहुत बहुत खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बता नहीं सकती, मैं आपको यहां देखकर कितनी खुश हूं। थैंक यू सो मच बुआ जी। अरे पिंकी, तू इधर ही खड़ी रहेगी या कुछ खाने पीने का इंतजाम करेगी? जी अभी लेकर आती हूँ। नहीं मदन जी, हमने रात का खाना रास्ते में खा लिया था, अब चलेंगे। इतनी रात को? बटेरा साहब, हमारा घर भी काफी बड़ा है, आप सबके लिए यहाँ पे रहने का इंतजाम हो जाएगा। नहीं मदन जी, हमने रास्ते में ही होटल में रहने का इंतजाम कर लिया था, अब सुबह मिलेंगे। हाँ हाँ जरूर, स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के लिए गर्म गर्म नाश्ता बना के रखूंगी। बस नाश्ता, हम कुछ और भी चाहते हैं। विराट और मानवी का रुका। कल सुबह हम शगुन लेके आएंगे, अगर आपको मंजूर हो तो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।